अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं जो कि पिछले वाले कोर्स की कंटिन्यूटी है। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर्स। एक हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं और बैक एंड डेवलपर्स। फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइन द विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वेबसाइट फॉर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद इंक्लूडिंग कलर लेआउट एंड फॉन्ट। जब हम किसी वेब पेज को देखते हैं तो उसके हमें फ्रंट साइड पे कुछ इमेजेस, फॉन्ट्स, कलर्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स नज़र आ रहे थे। इन तमाम की डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग जो है वो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होती है। बैक एंड डेवलपर्स क्रिएट द इनविजिबल स्ट्रक्चर दैट हेल्प वेबसाइट्स फंक्शन प्रॉपरली। तो उसकी बैक एंड पे जितना कोड लिखा हुआ होता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा होता और एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं वो तमाम के तमाम बैक एंड डेवलपर्स करते हैं। दीज एक्सपर्ट्स बिल्ड एंड मेंटेन द मैकेनिज्म दैट प्रोसेस डेटा एंड परफॉर्म एक्शन ऑन वेबसाइट। तो अगर कोई फ्रंट एंड पे हमें कोई बटन नज़र आता है उसके जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म होता है। उस एक्शन का कोड जो होता है वो बैक एंड डेवलपर ने लिखा होता है जिसको फ्रंट एंड डेवलपर कॉल कर लेता है। एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर वेब डेवलपर्स। फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए क्या एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं? मस्ट हैव नॉलेज ऑफ HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, CSS स्टाइलिंग शीट्स, स्टाइल योर वेब पेजेस विद ब्यूटीफुल कलर फॉन्ट्स, कलर्स वगैरह के लिए, फॉन्ट्स के लिए जो हम स्टाइल शीट्स यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट, मेक योर वेब पेज इंटरेक्टिव। ये भी हम कवर करेंगे अपने कोर्सेज के अंदर ये सारी चीज़ें। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बटन के अगेंस्ट या दूसरी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो डेवलपर्स होते हैं इनके पास नॉलेज होता है स्टडिंग द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच वेबसाइट्स आर बिल्ड। तो उनके पास वे सारा नॉलेज होता है किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और उसके स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। बैक एंड डेवलपर्स फाइंडिंग ए बैक एंड लैंग्वेज टू स्पेशलाइज इन एंड लर्निंग द बेसिक ऑफ सर्वर्स डेटाबेसेस। तो जो बैक एंड डेवलपर है उसके पास नॉलेज होता है सर्वर्स का, डेटाबेसिस का। अब सर्वर हमारे पास जैसे एप्लीकेशन सर्वर होता है जिसके ऊपर वेबसाइट डिप्लॉय हुई भी होती है, इसी तरह बैक एंड पे कोई डेटाबेस सर्वर भी होता है जिसके से डेटा हम मतलब अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं। बाद दफ़ा ये एक ही कंप्यूटर पे होता है और दो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे भी हो सकता है। वो APIs भी लिखते हैं जिसे हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं, जो कि एक मिडल सॉफ्टवेयर होता है दैट allow two application to talk to each other। तो यूज़र जो डेटा बैकएंड डेवलपर है उसकी APIs लिखता है तो दूसरा सॉफ्टवेयर उस API के साथ कम्युनिकेट करता है और उसमें से इंफॉर्मेशन गेट कर लेता है। अब हम आते हैं वेब पेज डेवलपमेंट की तरफ, बेसिक जो हमारी कोर्स का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमारे पास ये बेसिक स्केलेटन है हमारे पेज का। तो इससे पहले हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं HTML एलिमेंट्स की। इट इज़ ए स्टार टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। तो HTML एलिमेंट जो होता है एक स्टार टैग होता है, फिर उसके दरमियान में कुछ कंटेंट होता है और एंड टैग होता है। तो ये जैसे HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें HTML जो है वो टॉप पे हमारा है, ये इसका स्टार टैग है और ये इसका एंड टैग है। इसी तरह ये एक हेडर का टैग है, ये स्टार्ट है, एंड टैग है, इसके दरमियान में ये कंटेंट है। HTML और HTML एंड टैग के दरमियान में ये सारा कंटेंट है। ये बॉडी जो है ये HTML पेज की बॉडी होती है, जो हमें पेज के अंदर जो इसके दरमियान में जो कुछ लिखा होता है वो हमें पेज के ऊपर नज़र आ रहा होता है। ये हेडिंग्स हैं, ये पैराग्राफ हैं, और ये वाला जो टाइटल है ये हमें अपने वेबसाइट जब हम रन करते हैं वेब पेज को तो टॉप के ऊपर जो ब्राउज़र की टॉप बार होती है उसके ऊपर जो टाइटल नज़र आ रहा होता है वो ये नज़र आ रहा होता है। इसके बाद HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स जो होती है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है HTML एलिमेंट्स की, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। और ये हमेशा स्टार टैग जो हमारा होता है उसके अंदर डिफाइन किया जाता है। जैसे एक हमारा ये पैराग्राफ का टैग है, इसमें हमने ये पैराग्राफ जो है वो हमने बनाया हुआ है,
ये लिखा हुआ टेक्स। अब ये टेक्स जो है ना, ये एक लाइन का भी हो सकता है और 100 लाइनों का भी हो सकता है। इस टैग के और इस टैग के दरमियान में जो कुछ लिखेंगे वो पैराग्राफ बन जाएगा, और ये हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर हमने ये एट्रीब्यूट्स का डिफाइन किया हुआ है कि इसकी अलाइनमेंट जो है ना वो राइट साइड पे होता है। टेक्स हमें राइट साइड पे अलाइन नजर आएगा, हम लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट पे नजर आएगा, सेंटर कर देंगे तो सेंटर पे नजर आएगा। एचटीएमएल हेडिंग जो है वो टाइटल्स और सब टाइटल्स के लिए यूज होती है वेब पेजेस के ऊपर, और उसका टैग जो है वो H1 से H6 तक होता है। ये साइज के हिसाब से होता है, H1 सबसे बड़ा होता है और H6 छोटा होता है। फिर HTML पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, ये जो भी हमने एग्जांपल की थी। तो ये एक टेक्स्ट जितना भी हम लिख लेंगे ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होगा, और उसका टैग जो है वो P से शुरू होता है और /P जो है उस पर ख़त्म हो जाता है। HTML स्टाइलिंग, जब हमने फॉन्ट कलर साइज वगैरह यूज़ करने होते हैं तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए जो है वो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। ये जो है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि हमारा ये पैराग्राफ है, इसमें हमने स्टाइल लिख दिया कलर रेड, और ये हमने एक पैराग्राफ का कोड लिख दिया और उसके बाद एंड कर दिया। अब ये वाला जो टेक्स्ट नीचे दरमियान में लिखा है ये सारा का सारा रेड में नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास कैटेगरी वाइज जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड HTML एलिमेंट्स के रेफरेंसेस है वो यहाँ पे मैंने आपको दे दिए। मोर और लेस हमें ज़्यादातर इन्हीं को यूज़ करते हुए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट की टाइप को डिफाइन करता है, डॉक्यूमेंट टाइप जो है। HTML ये भी हमने पीछे देखा है कि एक टैग था जो कि स्टार्ट HTML जिससे पेज शुरू होता है, हेडिंग है, फिर टाइटल है। ये हम सारी के सारे जितनी भी ये एलिमेंट्स हैं इनको नेक्स्ट कोर्स में प्रैक्टिकली भी करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक HTML के जो टैग्स हैं वो ये हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास ये तीन तरह के मोस्ट कॉमन यूज जो है टैग्स यूज होते हैं इसमें। जैसे ये B जो है वो बोल्ड कर देता है, ये स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करता है। इस तरह हाइपरलिंक के लिए हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, हम जो है ना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए लिंक्स के जो है ना यूज़ करते हैं। नेविगेशनल डिजाइनिंग के लिए हम ये नेविगेशन का लिंक यूज़ करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब आप किसी वेब साइट पे लॉग इन करते हैं तो आपको वहाँ पे नज़र आ रहा होता है लेबल लिखा होता है, यूज़र नेम और फिर पासवर्ड नज़र आता है सामने, उसके एंटर करने का होता है। तो ये सारा काम जो है ना ये फॉर्म एंड इनपुट्स के थ्रू जो है ना हम करते हैं। तो ये वाला जो है ये फॉर्म में हम डिफाइन कर देते हैं, फिर इनपुट बॉक्स से हम एंट्री लेते हैं और बटन के थ्रू हम उसके एक्शन जो है ना परफॉर्म करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हमारे पास होती हैं, जिसमें हम ऑप्शनल बॉक्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है ना वो लिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं जब मेन्यू बनाने के लिए काम करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि टेबलर फॉर्म में डेटा हमें वेबसाइट पर नज़र आता है, ऊपर हेडिंग लिखी हुई होती है और नीचे जो है वो सारा उसका डेटा होता है। उसके लिए हम टेबल्स के टैग यूज़ करते हैं, ये डिफरेंट किस्म के ये पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। इमेजेस जो हमें स्क्रीन पर नज़र आते हैं उसके लिए हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं। स्टाइलिंग के लिए हम डिफरेंट, अगर हमने सेक्शंस बनाने हैं या स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम जो है वो स्टाइल का टैग और ये डिवीजन का जो हमारे पास है ये टैग्स हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। मेटा डेटा के लिए हमने ये हेडर का आलम दिया हुआ है। जावास्क्रिप्ट के लिए हम स्क्रिप्ट जो है वो ये वाला यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट का कोड ये हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने फर्स्ट जो हमने वेब पेज डिज़ाइन करना है उसकी तरफ आते हैं। तो वेब पेज कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। तो डिफरेंट तरह के एडिटर्स हमें मिलते हैं, कुछ पेड होते हैं और कुछ हमें फ्रीवेयर में भी मिल जाते हैं। तो हम अपने पूरे कोर्सेज में मोस्टली जो है वो दो पैड ही यूज़ करेंगे। एक ये HTML का के लिए नोट पैड है, ये जो बिल्कुल इनिशियल आपको लर्निंग के लिए, ज़्यादातर हम विजुअल स्टूडियो कोड जो कि हमें फ्री में मिल जाता है इसे हम डाउनलोड करके फिर इसके ऊपर जो है ना वर्किंग करेंगे।
क्रिएशन स्टेप्स जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वेब पेज बनाने के लिए, वो ये होता है कि सबसे पहले हमें एक डेवलपमेंट हम फोल्डर बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे माई वेब वर्किंग के नाम से हम एक फोल्डर अपने CD कहीं पे भी बना लेंगे। ये वन टाइम स्टेप है। उसके बाद हम अपने विंडो की ये टास्क बार से जो है सर्च मेन्यू में जाके नोट पैड लिखेंगे और सर्च करेंगे नोट पैड। जब नोट पैड आ जाएगा तो हम उसके अंदर जो अपना स्ट्रक्चर हमने पीछे डिफाइन किया है वो उसके अंदर कॉपी कर देंगे और उसके अंदर नए एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स वगैरह यूज़ करते हुए हम अपना फर्स्ट वेब पेज डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम उसको सेव एज कर देंगे, उस HTML पेज को उसका कोई एक नाम देंगे जिसका नाम हो, जैसे index.htm या HTML या xyz.html, कोई भी नाम दे सकते हैं। वो दे के उसको सेव एज करेंगे। जब हम नोट पैड एडिटर में करेंगे तो हम उसका ऑल फाइल्स कर देंगे वहाँ पे, और उसका इनकोडिंग मेथड जो है वो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे UTF-8 होगा, जो कि HTML के लिए यूज़ होता है और दूसरे पर्पसेस के लिए। तो कोडिंग जो है वो ये ऑटोमेटिकली वहाँ सेट हुई भी होगी। उसके बाद हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया है, माई वर्क वेब पेज वर्किंग फोल्डर में जाके, और फिर उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वह हमारा वेब पेज रन हो जाएगा। या हम उसके ऊपर राइट क्लिक करके अपना जो फेवरेट ब्राउजर है उसकी उसको भी सिलेक्ट करके उसमें रन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट पेज। तो हम अपना पहला वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करते हैं प्रैक्टिकली। हमने जो स्टेप्स लिखे थे उसमें हमारे पास हमने एक डेवलपमेंट फोल्डर बनाना है, वो आप कहीं भी बना सकते हैं, सी पे या डी पे या कहीं भी। आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू करके फोल्डर्स में जाएंगे और ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे फोल्डर का नाम, ये माई वेब पेज वर्किंग। फिर दूसरे स्टेप में हमने जो है ना नोट पैड खोलना है सर्च मेन्यू से। ये हमने नोट पैड खोल लिया, एक ब्लैंक हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये कॉपी हुआ हुआ स्ट्रक्चर, हमने इस स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे कॉपी, यहाँ से कॉपी करके और पिछले वाले पेज पे जाके ये पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा टैग्स के साथ जो है ये पहला पेज आ गया। फिर हमने लिखा हुआ स्टेप में कि सेव एज करना है हमने इसको, और सेव एज करके हमने इसकी जो टाइप इधर ऑल कर देती हैं। ये हमारा एनकोडिंग फॉर्मेट जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका नाम जो है वो हम index.html या एनीथिंग हम कुछ भी दे सकते हैं, इसका नाम जो है HTM भी दे सकते हैं, HTML भी दे सकते हैं। और फोल्डर जो हमने सेलेक्ट करना है वो हमने अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सी में माई पेज वाला जो था हमारा। तो ये हमारा जो है ये पहला वेब पेज जो है वो बन गया है। अब हम सी में जाएंगे अपने, हमने उसे रन करना है। तो हम ये जो हमारा यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है माई वेब पेज वर्किंग, इसके ऊपर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारा पहला वेब पेज जो है वो रन हो जाएगा। ये देखें, अब ये हेडिंग हमने जो लिखी थी ये हमें बड़ी नज़र आ रही है। इसी तरह ये हमारी जो है जो नीचे हमने पैराग्राफ दिया था वो हमें नज़र आ रहा है। इस तरीके से भी हम इसको रन कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके ओपन विद अपनी मर्जी का जो ब्राउज़र है उस पर भी हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके कार हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो क्योंकि बड़ी हो जाएगी तो हम इस इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है वो सारे जो HTML एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और उससे आप फिर एक वेब पेज बनाने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।